वीडियो जिस पर्पज़ पे बनाई गई है, ये चार बाइक है बिल्कुल उस पर्पज़ पे करी जा सकती हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई है, एक है, तो आप उनका हैंडल सीधा कर सकते हो। तो आइए बाइक की वीडियो को जानते हैं थोड़ा करीब से। आज हम स्टार्ट करेंगे एक पल्सर आरएस बाइक का हैंडल बार कैसे सीधा करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ समझो, कुछ सीखो, तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। इसका हैंडल पाइप आप देख रहे हो, ये टेढ़ा हो रखा है, आपको ऐसे समझ में दिखना होगा, आप सामने से आप देखोगे तो दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हैंडल पाइप टेढ़ा जो है सीधा करेंगे और बिना कुछ खोले सिर्फ हमें क्या करना है, एक इसका हैंडल वेट खोलना है 5 की एलंकी से, और एक जो इसका ग्रिप है वो खोलना है, और हमें कंट्रोल स्विच के 2 पेच बाहर निकाल लेने हैं बस, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से हमने इसका हैंडल सीधा करा है, और आप भी अपने घर में खुद आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोलना स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रिप इसका बाहर निकाल लिया है, हैंडल वेट बाहर निकाल लिया है, और कंट्रोल स्विच अलग कर दिया गया है। अब इसका हैंडल आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये टेढ़ा हो रखा है। तो ये जो टेढ़ा हो रखा है, ये हैंडल हम इजीली तरीके से सीधा करना सिखाएंगे। और जब इसको आप सीधा करो तो आप इसको बहुत मतलब बहुत इजीली तरीके से सीधा कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, एक इतनी बड़ी रॉड लेनी है जो इस हैंडल पाइप के अंदर घुस जाए, और जहाँ से ये टेढ़ा है उसके अंदर इसको लगा देनी है। जैसे कि इसके अंदर हमने लगा दी है ये, और इसको वहाँ तक ले जाना जहाँ तक ये टेढ़ा है, ठीक है। यहाँ से ये टेढ़ा है तो हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें हैंडल को उस साइड मोड़ना है, उसके अपोजिट साइड, और उसके बाद इसको फोर्स देनी है हैंडल की तरफ, जहाँ पे मुड़ रखा है उसकी उल्टी साइड की तरफ फोर्स देनी है। जैसे कि ये दे रहा हूँ मैं, ये दे दी मैंने, और हल्के हाथ से देनी है, ज़्यादा टाइट ना हो भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होगे जिस तरीके मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने हैंडल इसका सीधा किया है, ये मेरी नज़र में एकदम सीधा हो चुका है, एकदम परफेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हो। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो पहले कितना टेढ़ा था और अब कितना टेढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को बैठाएंगे ग्रिप लगा के, और उससे बोलेंगे भाई चेक करके बताओ इसमें सीधा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आप देखना कस्टमर कैसे चेक करके बताएगा। ठीक है, तो भाई ये ठीक हो चुकी है, हैंडल परफेक्ट हो चुका है इसका, ठीक है, एकदम परफेक्ट हैंडल हो गया। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा हैंडल एकदम सीधा है, एकदम सीधा हैंडल है। पहले कितना टेढ़ा था आप देख चुके हो, पहले क्या हो रहा था जब गाड़ी चला रहे थे तो हैंडल जो है इससे टच हो रहा था बार बार, देख रहे हो ये टच होने की वजह से ये हट गया है, ठीक है ना। ये देखो इसका निशान हट चुका है, टच हो के ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, हैंडल सीधा कर दिया, अब ये टच नहीं हो रहा है और चलाने में भी कंफर्टेबल लग रहा है। तो अब इसका क्या करें, स्विच लगा देंगे और पूरी गाड़ी पैक कर देंगे।